हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर सेकंड। कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेन देन। वेरीफाई करके बताना है कि गिवन जो एक्स की वैल्यू है उस गिवन पॉलीनोमियल का जीरो है या नहीं। फर्स्ट पार्ट px इक्वल टू 3x प्लस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 गिवन है। सेकेंड गिवन पॉलीनोमियल px 5x माइनस 5, एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 5 पर आपको चेक करके बताना है। थर्ड px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1 पर आपको चेक करके बताना है। जैसे हमने डिस्कस किया था जीरोस क्या होते हैं गिवन पॉलीनोमियल में, जो x गिवन x की वैल्यू पुट करने पर अगर वो जीरो आ जाए इट मीन्स वो जीरो है, अगर जीरो नहीं आया तो जीरो नहीं होगा। तो ये हमें चेक करके बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, इसको किस पर चेक करना है हमें, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 पर। इट मीन्स x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 इसमें पुट करेंगे, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, जहाँ पर आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस 1 अपॉन 3। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, इसके इक्वल 0 है। इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इज 0 of given polynomial, hence x equal to minus 1 upon 3, एक लाइन आपको राइट कर दी, x equal to minus 1 upon 3 is 0 of given polynomial px equal to 3x plus 1 जहां पर आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, 4 अपॉन 5। तो कर देते हैं e 4 upon 5 is equal to 5 multiply 4 upon 5 minus 5। simplify कर लेते हैं इसको, 5 से 5 cancel, 4 minus 5, 4 minus 5। अब देखिए 4 minus 5 के 0 के equal, it is not equal to 0, so that x equal to 4 upon 5 is not 0 of given polynomial, so एक लाइन लिखेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल px equal to 5x minus 5, ओके, क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं आया इसलिए x equal to 4 upon 5 इसका जीरो नहीं होगा। इसको चेक करके देखते हैं थर्ड पार्ट, वन बाय वन पुट करेंगे। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, इसके बाद माइनस 1। फर्स्ट पुट x equal to 1, यहाँ पर आपको एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, पी 1 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1, माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल 0, ये 0 हो गया। एक्स इक्वल टू 1 पर क्या हो गया 0, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 1 गिवन पॉलीनोमियल पे क्या होगा 0 होगा। माइनस 1 को भी चेक कर लें, पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1,
अब जहां पर आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस वन, p माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर माइनस वन। अब आपको पता है माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस वन होगा, इट मीन्स वन माइनस वन, वन में से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट जीरो। अब देखिए दोनों केस में ही वन पर और माइनस वन दोनों में जीरो आ रहा है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन आर जीरो ऑफ डी वन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। दोनों केस में जीरो आया था, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन दोनों में गिवन पॉलिनोमियल के दोनों ही क्या ही है जीरो, दैट इज आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर वन पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, सेकेंड पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। वन बाई वन सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हेयर हमें जीरो फाइंड करना है गिवन पॉलिनोमियल का, जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना ही हमारे पास क्या होगा जीरो। जैसे कि हमने इससे पहले भी एग्जांपल में देखा तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है सबसे पहले आप गिवन पॉलिनोमियल को इसके इक्वल करेंगे जीरो के इक्वल। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, तो सबसे पहले पी एक्स शुड बी जीरो, पी एक्स शुड इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स को पहले सबसे पहले जीरो के इक्वल करेंगे, इट मीन्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। प्लस का फाइव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस। तो वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करना ही हमारे पास जीरो होता है, अब वेरिएबल की वैल्यू आप कब फाइंड करोगे जब गिवन पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो। तो जीरो फाइंड करने के लिए आपको याद रखना है हमेशा गिवन पॉलिनोमियल को सबसे पहले जीरो के इक्वल करेंगे, फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे गिवन वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो एक्स है। अब सेकंड ऐसे सेकंड को कर लिया है, तो सबसे पहले इसके जीरो फाइंड करने के लिए पी एक्स इक्वल टू जीरो की, इट मीन्स एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। जब पी एक्स जीरो हो जाएगा तो एक्स माइनस फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल। माइनस का फाइव को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का फाइव, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या निकल गया है हमारे पास फाइव। इसका मतलब एक्स इक्वल टू फाइव गिवन पॉलिनोमियल का जीरो होगा। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जो वेरिएबल की वैल्यू जो फाइंड होती है उसको क्वेश्चन में वापस रखने पर जीरो आता है, देखिए फाइव माइनस फाइव जीरो, इसलिए इन्हें जीरोज बोलते हैं। और इन्हें फाइंड करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करें और फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। ओके okay?